तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि चार्ज कैरियर होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज कैरियर के ऊपर। जैसा आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स के पास चार्ज कैरियर के तौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज कैरियर क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर, ठीक है। और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए। सबसे पहले एटम के बारे में डिस्कस, ठीक है। जैसा आप सबको पता होगा कि एटम के पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। इनके पास कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात ही पता होगा इस ऑर्बिट के पास जो न्यूक्लियस है वहां पर प्रोटॉन्स होते हैं और जो बाकी ऑर्बिट्स जो हो गए वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या कि अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि जो आपको ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाइंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बाइंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बाइंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक। बाइंड इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं ये? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस किसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा और उसी फोर्स चलते क्या वो बंधे हुए हैं, और उस फोर्स का मैं बात करूं तो दैट फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाता होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स वीक। क्यों वीक होगा? बिकॉज डिस्टेंस क्या हो रहा है इनका, इंक्रीज कर रहा है, ये पहले। चलिए अगर मैं इस आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की बात करूं, दैट इज दैट इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल से आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है उसको निकालना है आपको, ठीक है, क्योंकि उनके पास अट्रैक्शन फोर्स कम है। थोड़ी सी एनर्जी देकर आपको क्या कर लोगे, उसको निकाल लोगे, ठीक है। तो उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, जो कंडक्टर के एटम्स हैं, जो उस एटम्स के चारों तरफ सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग क्या करेगा, ठीक है, ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा, ये क्या करेगा, इनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे ही इनको थर्मल एनर्जी मिल जाता है, ठीक है, लाइक जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कंडक्टर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। अगली बात कि जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करते हो, निकालते हो, ठीक है, तब क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगी, यहां से आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये
क्या हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बात ये आती है कि जब पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, बस पॉजिटिव आयन क्यों मूव नहीं कर रहा है। तो बात ध्यान रखें कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं ना हेवी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो हेवी होते हैं, और हेवी होने के चलते वो अपना पोजिशन चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन हेवी होने के चलते वो अपना पोजिशन चेंज नहीं कर पाते हैं, फिर ये करते क्या है, तो क्या करते हैं, अपने ही पोजिशन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक, अपने ही पोजिशन में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा कि मेटेरियल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, मेटेरियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किया जाता है। ठीक है, कि कोई सा मेटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, ये डिसाइड कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिस मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा बोला जाए कि जो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके उनके क्या किया गया, अकॉर्डिंग आपने मेटल को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखेंगे, मैं उसको लिख देता हूं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं किसके ऊपर, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब मैं इसको लिखो ऐसा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, चलिए अगर बात करूं मैं कि इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ऐसा बोला जाए, मैं लिखूं इसको कि इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा इज नियरली इक्वल टू कितना होगा, 10^28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब से लेकर के, या इसको बोलिए 10^29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इन रेंज के बीच में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसकी, किसी भी मेटल। ठीक है, मैंने किसी भी मटेरियल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या ऐसा बोला जाए उसको कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ऐसा बोला जाए कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ऐसे एग्जांपल में बात करूं, मान लीजिए कि मैं दो मेटल लूं, ठीक है, एक मेटल मैंने ले लिया कॉपर, दूसरा सिल्वर। ठीक है, मैंने लिया एक मेटल मेटल कॉपर और दूसरा सिल्वर। ठीक है, अगर मैं कॉपर सिल्वर दो वायर की बात करूं, एक कॉपर की वायर एक सिल्वर की वायर, ठीक है, तो आपको पता है कि इन दोनों के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं क्या मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है,
वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10^22 होता है। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, किसी भी मेटल के लिए टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सिंपल सी केस है, जब आपने कुछ उसको टेम्परेचर दिया, इंक्रीज किया, तो उसके पास कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया कि उसके पास सम एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री हो गए। ठीक है, जब कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो ऐसा मानता हूं मैं पहले कि पहले इसका डेंसिटी 10^28 था और अब कुछ बढ़ गए, मतलब मान चलिए कि 10^3 बढ़ गए। ठीक है, जब 10^3 बढ़ गए तब अगर कंपेयर कीजिए तो 10^3 और 10^28, क्या 10^3 बहुत छोटा है। ठीक है, जब 10^3 बहुत छोटा है तो क्या मैं इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्या इस पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर इग्नोर कर सकते हैं तो क्या मुझे इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10^28 मिल जाएगा। ठीक है, 10^ कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो आप यहां से एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मेटेरियल के ऊपर, और किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें करते हैं हम लोग इसमें। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, अब हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि लेट सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक, चलिए मैंने क्या बोला, हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है तो मैं इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं अभी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अच्छा अभी मैं बोल रहा हूं क्या कि इस कंडक्टर के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब पीडी कितना हो गया, जीरो हो गया। जब पीडी जीरो हो गया तो क्या बोल सकते हैं, क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन ये रैंडम मोशन में घूम रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, जैसे इसको क्या मिला, थर्मल एनर्जी मिलता है। ठीक है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से तो थर्मल एनर्जी के मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम मोशन में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घूमना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, यहां पर आपको दिखा कि थर्मल एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां से एक बात बोलू क्या कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ध्यान रखें दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और क्या इस केस में पीडी का वैल्यू जीरो है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ध्यान रखें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में हो, या कोई भी रैंडम मोशन की बात की जाए, दैट दैट केस रैंडम मोशन में क्या होता है, उस पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। अच्छा सोचिए कि अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो क्या इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कंडक्टर के पास करंट है कि नहीं है, तो करंट भी नहीं होगा। ठीक है, करंट तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई एक्सटर्नल पीडी है। अच्छा, अब बोला जाए कि अगर करंट जीरो हो गया तो क्या इस केस में इसका स्पीड, क्या स्पीड भी जीरो है, ध्यान रखेंगे स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है,
स्पीड जीरो नहीं होगा, टू जीरो, ठीक है, स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके बारे में, थर्मल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी क्या होता है कि आपको मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना होता है, 3/2 × kT। ठीक है, 3/2 × kT। ठीक, चलिए अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो लिखा मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं डायरेक्ट लिख दू ME, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थर्मल वेलोसिटी से। क्या राइट डाउन VT का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। मतलब ध्यान रखिए थर्मल वेलोसिटी को हम लोग VT से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 3/2 kT, 2 से 2 कैंसल। यहाँ क्या बच गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर K × T, और मुझे क्या VT लिखना था, तो क्या VT इक्वल टू हो जाएगा KT / मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू KT / मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से फॉर्मूला पूछा जाता है कितने बार कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, टी हो गई। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो पार्ट ये टी है, टी वाले पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, टी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, टी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, केल्विन में होगा। यहाँ पर टेम्परेचर होगा किस में होगा, केल्विन में होगा। ठीक है, बात समझ में आया, सेल्सियस में नहीं होगा। अगर टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको केल्विन में चेंज करना होगा। ठीक, तो अगर मैं आगे बात करूं तो एक बात आप समझे कि अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, तो ऐसा बोला जाए कि एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कितना होता है टेम्परेचर सेल्सियस में, अप्रोक्स 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को केल्विन में कैलकुलेट करके और सबका वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो थर्मल वेलोसिटी हो जाएगा उसकी रेंज क्या मिलेगी आपको, 10^5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये किस रेंज से, किस रेट से मूव करते हैं, तो 10^5 मीटर पर सेकंड। ठीक, ठीक है, क्लियर बात यहां पर। चलिए अब क्या करते हैं कि अब हम लोग उस पॉजिटिव आयन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। मैंने क्या देखा कि अगर कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के पास पॉजिटिव आयन्स होंगे। ठीक है, तो देखिए ये उस कंडक्टर के पास पॉजिटिव आयन्स है। ठीक है, तो अगर कंडक्टर के पास पॉजिटिव आयन्स हैं और ये कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है मूव करते हुए, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है। ठीक है, जब कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ इस तरीके से रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो अब यहां पर हमें दो पैरामीटर्स को समझने होंगे, मैं आपको वो दो पैरामीटर समझाता हूं। सबसे फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास है मीन फ्री पाथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ हम लोग इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच कितना एवरेज डिस्टेंस क्या किया हुआ, उसको ट्रेवल किया गया। तो मीन फ्री पाथ आपको केवल डिस्टेंस याद रखना चाहिए, मैं क्या बोलूं कि इट इज एवरेज डिस्टेंस, ये क्या आएगा आपका एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो
एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया गया दैट इज कॉल्ड फ्री मेन फ्री पाथ। ठीक, सेकेंड पार्ट ध्यान रखेंगे, सेकेंड पार्ट क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, सेकेंड पार्ट इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये देखिए कि एवरेज टाइम कितना लिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कितना एवरेज टाइम लिया गया दैट एवरेज टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो मैं क्या लिखूं इसको कि इट इज एवरेज टाइम, ये क्या होगा एवरेज टाइम होगा टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा कितना एवरेज टाइम लिया गया क्या करने के लिए, पाथ को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहां से, सोचिए कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो बताइए रिलैक्सेशन टाइम में क्या इफेक्ट आएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा घट जाएगा। जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो आप तो उसको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। ठीक, आगे बात करते हैं कि अगर सोचिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, अच्छा अगर ये कंडक्टर है तो अभी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अभी इनके पास कोई एडिशनल फील्ड नहीं है, रैंडम होते हैं, घूम रहे होंगे, हमने क्या किया इनको एक बैटरी से कंबाइंड कर दिया। इसका वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहा है अभी और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है L, ठीक है, अच्छा अगर ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल है तो दैट पार्ट इज हाई पोटेंशियल और ये पार्ट क्या हो गया लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अच्छा आपके पास जो कंडक्टर पहले था वो न्यूट्रल था, ठीक है, आप जैसे उस न्यूट्रल कंडक्टर को पीडी प्रोवाइड करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से क्या उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चलिए अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है कि पोटेंशियल केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डीएस, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डीएस। अच्छा यहां पर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो अगर PT इज रिस्पॉन्सिबल यहां पर है तो इस केस के लिए E क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड V और लेंथ मतलब L, E इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना वो इनसाइड द कंडक्टर है और आउटसाइड द कंडक्टर E कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, अच्छा आपको ये बात पता है कि मैंने क्या दिखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हाई से लो की ओर इनसाइड और आउटसाइड क्या रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये फील्ड क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, और ये फोर्स लगेगा कहाँ जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स कहाँ लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो जब अपोजिट लगेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे,
ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अब अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दिए तो क्या इस केस में एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जीरो होगा? नहीं। ठीक है, इस केस में एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आपसे मैं सेकंड पार्ट पूछूं कि करंट इन कंडक्टर क्या जीरो है? करंट इन कंडक्टर क्या जीरो होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर पीडी है और ड्यू टू पीडी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मतलब करंट तो होगा ही यहाँ पर, तो करंट में जीरो होगा। अच्छा आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है क्या इस केस में इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हाई पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, तो क्या इतना बोलने के बाद आपके पास समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी एवरेज को क्या बोला गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे आप कि आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। अब बात करते हैं हम लोग इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। मैंने आपको इतना एक बात समझाया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? एवरेज वेलोसिटी किसके इलेक्ट्रॉन की, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, एंड ड्रिफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीवी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इस चीज को समझें, ये होता क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। किधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इतनी बात समझ में आई? किधर? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अच्छा आपको ये बात पता होगा सर कि आपके पास एक इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और मुझे चाहिए क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको एवरेज के फॉर्म में लिखूं? दैट इज एवरेज वेलोसिटी और फाइनल, इनिशियल और ये एवरेज, एक्सीलरेशन और एवरेज। ठीक है, चलिए आपको दिखा कि एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो वी कैन राइट वीडी एन प्लेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इनिशियली क्या कोई स्पीड था एवरेज, क्योंकि पार्टिकल के पास रैंडम मोशन था और रैंडम मोशन वाले केस में क्या था स्पीड? तो आपको दिख रहा है क्या से? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम इट इज कॉल्ड टाउ। ठीक है, अच्छा आप देखिए कि आपको मैंने बताया फोर्स लग रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग रहा है, तो क्या फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ही होता है? फोर्स किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैंने क्या लिखा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा चार्ज कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन और क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या आप देखिए एफ इज इक्वल टू ई इन टू ही हो गया। अच्छा आपको ये बात पता है क्या कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इन टू एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स ऑफ वन मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ई इन टू ई। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपको यहाँ दिख रहा होगा? दैट इज ई इन टू ई। मैं लिखू यहां से ई इन टू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या मैं इस ए के जगह पर इसको रिप्लेस कर दूं, तो क्या बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ई इन टू ई बाई एम ई इन टू टाउ। ठीक है, एम ई इन टू टाउ। अच्छा आप इसको अगर अरेंज करते हो तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इन टू टाउ बाई एम इन टू ई। ठीक है, देखें ई इन टू टाउ बाई एम इन टू ई
ई इंटू टाउ बाई एम इंटू ई इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो क्या बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू ई, दैट इज पार्ट इज कॉल्ड मोबिलिटी, दैट इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये पार्ट मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये पार्ट कॉन्स्टेंट है, तो आपसे क्या देखा जाए कि बी डी और आपसे ई के बीच में ग्राफ अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, कि अगर बी डी और ई के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, दैट पार्ट इज ई एंड दैट पार्ट इज बी डी, तो बी डी और ई के बीच का ग्राफ क्या दिख रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस। ठीक है, मतलब ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, बी डी और ई के बीच का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया, है कि नहीं। बी डी जो है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए बी डी जो है वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऐसा क्यों, बिकॉज टाउ किस पर डिपेंड करता है, टाउ किस पर डिपेंड करता है, टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, बिकॉज मैंने क्या बोला, बिकॉज टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या टेम्परेचर को बढ़ाने से टाउ जो हो जाएगा वो घट जाएगा। ठीक है, और टाउ के घटने से मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और मोबिलिटी घटने से क्या पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी ट्रिप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होगा कि थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो देखिए क्या बी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम ई ई बाई एम इंटू टाउ। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वी वेक्टर बाई ई सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास वेक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ई वेक्टर। ध्यान रहे ये जो आपका वेक्टर फॉर्म है वो गलत है। ठीक है, तो आप इसको करेक्टली वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, मुझे इस चार्ज का भी डायरेक्शन मेंशन करना होगा, दैट इज बी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, बात करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज्यादा डील किया। ठीक है,